की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पलक्कड़ में बीजेपी की जनरक्षा यात्रा में शामिल हुए। यहां सीएम शिवराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं शिवराज सिंह विमला देवी के निवास पर पहुंचे और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, बीजेपी की जनरक्षा यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो चुके हैं। भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, डिजिटल इंडिया, एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किए, लेकिन केरल की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री बड़े कलाकार हैं, पैसा तो दिल्ली से ले लेते हैं लेकिन योजनाओं का नाम ही बदल डालते हैं, नाम बदल बदल के योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। अरे साहस है विजयन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना उनके नाम पर चलाओ। जनता को कब तक तुम गुमराह करोगे? ये जनता केरल की लंबे समय तक गुमराह नहीं होने वाली। आज मैंने आंसू देखे, उस छोटे से मासूम बेटे की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, उनके पति की आंखों में आंसू देखे हैं। राधा कृष्णन जी की पत्नी मुझे मिली, उनकी आंखों में आंसू भी मैंने देखे, और वो एक ही सवाल पूछ रही थी कि मेरी हत्या करने वाले, मेरे पति की हत्या करने वाले सीपीएम के आतंकवादी आज तक खुलेआम सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं, उनको कब तक सजा मिलेगी? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिर सर्व से झुक जाता है, मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है। एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री विजयन है, जो खुद एक हत्या के आरोपी रह चुके हैं, उन्होंने मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया और क्राइम ब्रांच ने एक इंच भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, उन हत्यारों को बचाया जा रहा है। मेरा आरोप है मिस्टर विजयन, आपकी छत्र छाया में सीपीएम वाले, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ आया, सबसे पहले वो शहीद जो इस जिले के हमारे, उनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया। मैं इस माँ के पास गया जिनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, वो मेरे सीने से लग के रोने लगी। ये सारे परिजन उन शहीदों के बैठे जो मौत के घाट सीपीएम के आतंकवादियों के द्वारा उतार दिए गए हैं। आज मैं ये कहने आया हूँ कि अब हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हम ये संकल्प लेने आए हैं कि विजयन और सीपीएम जब तक तुम्हारे आतंकी लंका को जला के राख नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक नहीं मारे जा रहे, असहमति रखने वाले कोई भी हो, वो कलाधर्मी हो, वो पत्रकार हो, वो वैज्ञानिक हो, और यहाँ तक के वो वामपंथी भी अगर हो और हमसे अलग हो गए तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। ये विजयन तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि इनके अपने गुरु को भी इन्हें सरेआम विधानसभा में पिटवाने का काम किया है। शर्म आना चाहिए विजयन, कैसी तुम्हारी ये सरकार चल रही है। एक तरफ लाल आतंक, हमसे सहमत ना हो तो मार डालो, और दूसरी तरफ जिहादी आतंक, केरल की धरती पर ये दोनों मिल गए हैं मेरे बहनों और भाइयों। और जिहादी आतंक को भी बढ़ावा देने का काम ये विजयन की सीपीएम पार्टी और उनकी सरकार कर रही है। दोनों आतंक अगर मिल जाएं और दोनों के रास्ते एक, इरादे एक, या तो हम कहें मानो या तुम समाप्त कर दिए जाओगे। ये जिहादी आतंक भी केरल की धरती पर एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अरे क्या कारण है? तो देश में कई आतंकी घटनाएं होती है तो उसके कारण कहीं ना कहीं केरल के जिहादी आतंकवाद से भी जुड़ जाते हैं। आईएसआई के, आईएसआईएस के प्रशिक्षण के शिविर मुझे पता चला है कि केरल की धरती पर खुलेआम चल रहे हैं, और मेरे यहाँ के भोले भाले लोगों को बहका के सीरिया आईएसआईएस के प्रशिक्षण शिविरों में ले आया जा रहा है। आतंकवाद का एक और गंदा स्वरूप है लव जिहाद का स्वरूप। केरल के मेरे बहनों और भाइयों, ये केरल की धरती भगवान की धरती मानी जाती है, ये जो धरती है ये ईश्वर की धरती है, लेकिन ईश्वर की धरती पर ये कैसे आतंक का राज चला है? आज हम ये संकल्प लेने आए, एक तरफ सीपीएम प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करेंगे और दूसरी तरफ
ये जिहादी आतंकवाद को भी नेस्त नाबूद करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खात्मे का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आतंकवादी, देश को नुकसान पहुंचाने वाले, भारत माता से गद्दारी करने वाले चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, अब वैश्विक नेता है, दुनिया के नेता है। और नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अब जिस परिवार में मैं आया हूँ उसकी पीड़ा और दर्द यही है कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। क्राइम ब्रांच में जांच दे दी गई है, वहां से एक इंच आगे नहीं बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि अपराधियों को सजा मिले, दोषी बच ना पाए, उसके लिए हर संभव जो प्रयास है, विधि सम्मत जो प्रयास है, वो सारे प्रयास हम करेंगे। अन्याय का एक दिन अंत होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि CPM यहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर विजयन जिनके नेतृत्व में और लीडरशिप में ये सब हो रहा है, जो खुद एक हत्या के आरोपी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। हम आज ये ऐलान करने आए हैं कि उनके अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि आतंक समाप्त।